अब देख ले तुझे तेरे फेवरेट कपड़े दिला दिए हैं, अब आगे और कोई जिद नहीं करनी है। थोड़ा ढीला है पर आई मैनेज, और वैसे भी नेक्स्ट टाइम तो पापा से जिद करने की टर्न है। नानू तू बहुत प्रिविलेज्ड है, दुनिया में कितने बच्चों के पास तो बेसिक चीजें भी नहीं होती, तो तू हमेशा उन बच्चों की हेल्प करना। और मैं हेल्प करते वक्त कैमरा भी नहीं लेकर जाऊंगा। वेरी गुड, जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है वो हमेशा दूसरों को दे देनी चाहिए। ओ, तभी आहान के पापा ने उसकी दादी को ओल्ड एज होम भेज दिया। नानू मैं समझ गया मम्मी, मैं अपनी अनयूज्ड स्टेशनरी अभी गरीब बच्चों को देकर आता हूँ। वेरी गुड, यही घर है तेरा? हाँ। ये आपका बेटा फ्लाईओवर के नीचे बच्चों को व्हाइटनर दे रहा था। लाइफ भी आपको गलती सुधारने का एक मौका देती है, तो मैंने सोचा कॉपी पर गलती करने के बाद भी तो व्हाइटनर होना चाहिए ना। इस बार जाने दीजिए भाई साहब, मैं इसको समझा दूंगी। ठीक है नानू, सब बच्चे व्हाइटनर कॉपी पर यूज नहीं करते। ओ, तभी वो बच्चे मुझे 10 रुपए के व्हाइटनर के 50 रुपए दे रहे थे। आज तो पैसा ही पैसा होगा। चलो मम्मी। कहाँ? अरे आज कमो दीदी की शादी है ना, उनके तो कार्ड पर भी मेरा नाम लिखा है, मेरी दीदी की शादी में जलूल जलूल आना, तो मेरा जाना तो जरूरी है। कोई शादी नहीं हो रही है, लड़के वाले मारुति को मांग रहे हैं। क्यों, उनका किडनैपिंग का धंधा है क्या? अरे तो दे दो ना। तेरे चिप्स के पैकेट में निकलती है जो दे दे। मुझे शादी में जाना है। तो बता मैं क्या करूं? आप दूसरी कर लो। चुपचाप नीचे खेलने जाओ। ये आया क्यों नहीं अब तक? सोनू की मम्मी आप, और ये नानू। संभालिए अपने नानू को, हमारे रिश्तेदार की शादी में पकड़ा गया, गोलगप्पे के खट्टे पानी में गिर गया था, ठिठुर रहा था तो ना चाहते हुए भी अपना पश्मीना उड़ाना पड़ा। पता नहीं घर पर कुछ खाने के लिए नहीं मिलता क्या जो शादियों में चले जाते हैं। नानू मैं वहाँ खाना खाने नहीं गया था, मेरी बॉल चली गई थी, फिर मैंने सुना वधू के पापा बोल रहे थे कि आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी, तो मैं उन्हें अपनी पॉकेट मनी के 15 रुपए देने चला गया था। ओ मेरा बच्चा।